हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो जो रिवीजन क्लास मैं आपके साथ ले रहा हूँ लाइव क्लास उसको लेकर है। मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ क्लास में जिस तरह आप जुड़े और जिस आपने पढ़ा बहुत अच्छी बात है। इस हो सकता आपके ऊपर मैंने सेशन ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने सजेशन दिया था कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब जो बची हुई लाइव क्लास में लेने, क्योंकि अभी आप एग्जाम आने वाला है, निमसेट का आने वाला, आईआईटी जेई एडवांस का एग्जाम आने वाला है, तो मैं और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। तो अब मैंने ये प्लान किया है कि अभी मैं आपको जो लाइव सेशन लेने वाला हूं उसमें जो एक टेस्ट पेपर के फॉर्म में लूं, क्लास में दिया जाता है ये टेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले आप पेपर सॉल्व करें, पेपर सॉल्व करने के बाद पेपर डिटेल एनालिसिस लूंगा और इस एनालिसिस के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन किन क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम लिया। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम अगर रिजल्ट देना चाहते हैं तो हमारा एक्यूरेसी लेवल हाई हो, स्पीड हाई हो, स्टेप्स कम से कम लिखे, स्टेप बहुत लॉजिक तरीके से हम कर पाए। तो मुझे ऐसा लगा पिछले दो क्लास के साथ लिया ट्रिग्नोमेट्री की, ये और ऐड किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपके साथ जो क्लास वेडनेसडे और सैटरडे के दिन आपको लाइव क्लास मिलेगी उसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसे आज के दिन जो टॉपिक लेने वाला हूं, आज 1 मई है, आज जो टॉपिक है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो मैं अभी आपके साथ इस वीडियो लिंक के साथ इसका शीट भी शेयर करूंगा, आप इस पेपर को सॉल्व करिए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं टॉपिक क्या क्या होंगे, आपने जो जो बोले। इसके बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन होगा, एक वेक्टर का सेशन होगा, एक एलजेब्रा, कैलकुलस का मैं ले चुका हूं पर एक टेस्ट के फॉर्म में फिर से लूंगा क्योंकि कैलकुलस का एडवांटेज बहुत होता है। और ये जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, इनफैक्ट जेई के भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, इंटीजर टाइप, मैसेज पैसेज वगैरह, पर उनको हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ। तो यानी ये सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट ये सेशन उन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो अभी एग्जाम, क्योंकि आपने पूरा फाउंडेशन कवर करा है तो परफॉर्मेंस कैसे आए। तो सेम डे मैं आपके साथ वीडियो का नोटिफिकेशन जिस दिन डालूंगा, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप इस डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसको क्लिक करके पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले नहीं दे रहा, पहले आप रिवीजन करके रखें। तो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं, तो आज का दिन 1 मई को मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का सेशन लेने वाला हूं। तो ये पेपर आप अभी के अभी डाउनलोड करें इमीडिएटली जैसे सेशन सुनते हैं और इस पेपर को पूरा सॉल्व करें। जब 8:30 पे ये क्लासेस हो तो आप देखिए। अच्छा, एक और चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जो मैसेज करते हैं वो हमेशा मैं देखता हूं कि ये जो सेशन होता है, ये जैसे मैं टेस्ट आपको दे रहा हूं, यहां क्लास में भी बच्चों को दिया और फिर इन बच्चों के साथ ये डिस्कस, तो जब मैं ये सेशन डिस्कस करता हूं तो कई चीजें ऐसी होती है जैसे जो सिंपल क्वेश्चन है या जो रिपीट क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चन में स्टेप कम लिखता हूं, उसका पर्पज ये होता है क्योंकि ये बच्चे पढ़ चुके हैं और आप भी पढ़ चुके हैं क्योंकि आपने पूरा फाउंडेशन कवर किया है। तो जो सिंपल क्वेश्चन होंगे हम उनको स्कैप करते हुए चलेंगे, पेपर का जो सॉल्यूशन मैं दूंगा वो थोड़ा स्पीड में ही दूंगा क्योंकि मैं हमेशा एक चीज ध्यान रखता हूं, फाउंडेशन जब पढ़ाता हूं बेसिक तो बहुत से लोग, पर जब पेपर सॉल्व करता हूं तो स्पीड में, क्योंकि जैसे मैं स्पीड में करूंगा वैसे आप अपने आपको इस ढंग से टर्न करेंगे। तो हो सकता है इस वजह से स्पीड के वजह से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, तो मैं बोलूंगा उसको आप दोबारा देखिए, एक बार खुद सॉल्व करिए फिर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं। तो मैं ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बोलता हुआ चलूंगा और देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास ना तो टाइम है और ना इस समय डिटेल में जाने का समय, इस समय समय है कि जो सब आता है आपको उसको कैसे हम रिवाइज करें। तो अब जो सेशन मैं आपके साथ लूंगा उसमें मैं आपके साथ ये पेपर्स भी शेयर करता चलूंगा। तो सेशन आपका जो होगा वो होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन उसके बाद वेक्टर एलजेब्रा, या फिर उसके बाद एलजेब्रा पूरा, एलजेब्रा में सारे टॉपिक्स, देन उसके बाद एक कैलकुलस का भी सेशन। ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करीब करीब 2-3 टाइम सॉल्व करिए और सॉल्यूशन को, आपको इसके बेनिफिट डेफिनेटली मिलेंगे। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।